Assalamu alaikum. I am the student of University of Sindh, Faculty of Education. This presentation assigned by our course director, Dr. Amjad Ali Arain. My name is Fatima Zohra and I am studied in B.Ed. Elementary Honors Part 2, 4th semester. I am here to present types of grading and reporting. First of all, we discuss what is grading. Education system mein grades bahut importance rakhte hain because through grading student ko apni achievement ka apni progress ka pata chalta hai. Grading ke process mein different standards apply kiye jate hain, different measurements apply ki jati hain aur different levels vary karte hain. In levels, measurements aur standard ke through teacher student ko unki achievement ke bare mein batati hai. Teacher student ko grade different ways se assign kar sakti hai, like letters se. For example, A, B, C, D, F as a range, for example, 1, 2, 6 as a percentage or as a descriptors like excellent, great, satisfactory, needs improvement. Then, types of grading. Here we discuss the different types of grading system in education. First type हमारे पास है percentage grading. Percentage grading में teacher percentage scale use करती है जो बेस करता है परसेंटेजेस पे और टीचर स्टूडेंट को इन परसेंटेजेस के थ्रू ग्रेड देती है. सेकंड हमारे पास है लेटर ग्रेडिंग. लेटर ग्रेडिंग में टीचर सीरीज ऑफ लेटर यूज करती है लाइक ए बी सी डी एफ और लेटर ग्रेडिंग में टीचर प्लस और माइनस ऑर्डर कैटेगरी स्केल भी यूज करती है. अगर स्टूडेंट का वर्क बहुत आउटस्टैंडिंग है तो टीचर उसको प्लस ए ए वन के थ्रू जरिए उसको उसके अचीवमेंट के बारे में बता सकती है. इस ग्रेडिंग को हम डायरेक्ट ग्रेडिंग भी कहते हैं. थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड और एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ग्रेडिंग. इस ग्रेडिंग में टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से कंपेयर करती है. असेसमेंट लेने से पहले टीचर स्टैंडर्ड सेट करेगी और असेसमेंट लेने के बाद टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड से कंपेयर करेगी और फिर स्टूडेंट को ग्रेड देगी. इस ग्रेडिंग को हम क्राइटेरियन स्टैंडर्ड ग्रेडिंग भी कहते हैं. फोर्थ हमारे पास है नैरेटिव ग्रेडिंग. नैरेटिव ग्रेडिंग में टीचर स्टूडेंट की अचीवमेंट पे कमेंट्स राइट करती है. वो कमेंट्स टीचर नंबर्स के थ्रू भी उसको दे सकती है और लेटर्स के थ्रू भी. फिफ्थ हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग. नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग में टीचर स्टूडेंट की अचीवमेंट को उसके पीयर से कंपेयर करती है. स्टूडेंट की अचीवमेंट, स्टूडेंट की प्रोग्रेस और स्टूडेंट की असेसमेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करती है और फिर स्टूडेंट को वो ग्रेड देती है. इस ग्रेडिंग को हम इनडायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं. सिक्स हमारे पास है मास्टरी ग्रेडिंग. मास्टरी ग्रेडिंग में टीचर टू टाइप के लेवल्स यूज करती है, मास्टर्स और पासर्स, और इन दोनों लेवल्स के थ्रू टीचर स्टूडेंट को ग्रेड देती है. सेवन्थ हमारे पास है पास एंड फेल. पास एंड फेल टाइप ऑफ ग्रेडिंग में टीचर टू टाइप का लेवल यूज करेगी, पास एंड फेल. पास एंड फेल और मास्टरी ग्रेडिंग, ये दोनों ग्रेडिंग्स जो हैं आपस में कनेक्शन रखती हैं. इन दोनों ग्रेडिंग सिस्टम में टू टाइप के स्केल यूज होते हैं, टू टाइप के लेवल्स यूज होते हैं. पास एंड फेल में टीचर स्टूडेंट को ग्रेड देगी. अगर स्टूडेंट का वर्क अच्छा है, उसने अचीव अच्छा किया है तो लेवल वन पास पर है और अगर उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लेवल टू फेल पर है. Then we discuss what is reporting. Reporting education में importance रखती है उतनी ही जितनी grades importance रखते हैं. Reporting system में reporting का जो process है education में, इसमें student की comprehensive information, उसकी achievement, उसकी learning progress, उसके parents और उसके guardians को बताई जाती है. Reporting system education में एक बहुत helpful और supporting tool है. इसके ज़रिए policies और procedures develop किए जाते हैं student की progress और उसकी achievement, उसकी parents और community को बताने के लिए. Then we discuss types of reporting. Now we discuss the different types of reporting system in education. फर्स्ट टाइप हमारे पास है इंफॉर्मेशनल रिपोर्टिंग. इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो है वो रिजल्ट प्रेजेंट करती है और रीडर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है पार्टिकुलर प्रॉब्लम और पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सिचुएशन के हवाले से. लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है किस सिचुएशन के हवाले से, इनफॉर्मल रिपोर्टिंग में रीडर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है. सेकेंड हमारे पास है एनालिटिकल रिपोर्टिंग. एनालिटिकल रिपोर्टिंग रिपोर्ट जो है वो भी रिजल्ट प्रेजेंट करती है, लेकिन उसमें सबसे पहले स्टूडेंट का रिजल्ट एनालाइज किया जाता है और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है. एनालिटिकल रिपोर्टिंग में टीचर बार ग्राफ्स और ग्राफ्स के जरिए भी स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोग्रेस को रिपोर्ट कर सकती है उसके पेरेंट्स को. बार ग्राफ्स और ग्राफ्स के जरिए वो उसके पेरेंट्स को बता सकती है कि आपके स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट में इतना अचीव किया है
और उसको इस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिपोर्टिंग। थर्ड हमारे पास है रूटीन रिपोर्टिंग, इसमें टीचर स्टूडेंट की रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग करती है, लाइक आवरली, डेली और वीकली। इस रिपोर्टिंग में टीचर स्टूडेंट की रिकरेंट और रिपीटेड रिपोर्टिंग करती है और एनुअली उसके पेरेंट्स को बताती है कि पूरे साल आपके स्टूडेंट की ये प्रोग्रेस रही क्लास में, वो इतना एक्टिव रहा और उसने इतनी पार्टिसिपेशन ली। इस रिपोर्ट को हम पीरियोडिक रिपोर्ट भी कहते हैं। फोर्थ हमारे पास है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्टिंग में लाइक स्कूल में कोई इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है, कोई इक्वेशन स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना हिस्सा ले रहा है और उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसके पेरेंट को बताया जाता है कि आपके स्टूडेंट, आपके चाइल्ड ने इवेंट में, ओकेजन में इतना हिस्सा लिया, वो इतना एक्टिव रहा, उसने इतनी पार्टिसिपेशन ली। इसको हम कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट। फिफ्थ हमारे पास है फॉर्मल रिपोर्टिंग। फॉर्मल रिपोर्टिंग जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रिपोर्टेशन की प्रेजेंट करती है। ये इसलिए लिखी जाती है कि अगर स्टूडेंट के लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए। ये जर्नली इसलिए लिखी जाती है कि स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली सॉल्व कर ली जाएं। इस रिपोर्ट में स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं जो इश्यूज उसकी लर्निंग में आ रहे होते हैं। सिक्स हमारे पास है इनफॉर्मल रिपोर्टिंग। इनफॉर्मल रिपोर्टिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है, लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस को फेस टू फेस डिस्कस किया जाता है पेरेंट्स और टीचर के थ्रू। सेवेंथ हमारे पास है पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस रिपोर्टिंग। पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस रिपोर्टिंग जो है वो शॉर्ट मीटिंग है पेरेंट्स एंड टीचर के दरमियान की होती है। ये इसमें चाइल्ड की प्रोग्रेस डिस्कस होती है, उसकी अचीवमेंट्स बताई जाती हैं और क्लास में कितना एक्टिव रहता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, ये सब पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस रिपोर्टिंग में बताया जाता है। और अगर चाइल्ड की कोई एकेडेमिक और बिहेवियरल प्रॉब्लम सामने आती है, कोई इशू सामने आता है, तो एट अ टाइम उसकी सॉल्यूशन भी निकाली जाती है। तो रिपोर्टिंग भी एजुकेशन में उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितने ग्रेड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि सिर्फ टीचर ग्रेड्स ही स्टूडेंट को देख के क्या कहते हैं ग्रेड्स ही नहीं देगी, वो उसकी रिपोर्टिंग भी स्टूडेंट को करेगी और फिर उसके पेरेंट्स को भी करेगी, ताकि पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि उनका चाइल्ड स्कूल में, क्लास में उसकी प्रोग्रेस कैसी रहती है, वो कितना एक्टिव रहता है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कितनी पार्टिसिपेशन लेता है क्लास में। और अगर चाइल्ड की लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग के ज़रिए टीचर उसके पेरेंट्स को बता सकती है और वो बहुत अच्छा अचीव कर रहा है, उसकी अचीवमेंट बहुत अच्छी हैं, तो टीचर रिपोर्टिंग के ही थ्रू उसके पेरेंट्स को, उसके गार्डियंस को और कम्युनिटी को बता सकती है, ताकि स्टूडेंट को अप्रिसिएशन मिले, मोटिवेशन दी जाए और वो लर्निंग में और अच्छा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।